आज हो रहा है R15 V3 का रिव्यू हिंदी में। मेन मेन मोटी मोटी बातें बताई जाएंगी, ज़्यादा वीडियो को डीप नहीं करेंगे, ना ज़्यादा लंबी वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि मूड है वो, वीडियो बनाने कोई मन नहीं था, पर फिर भी चलो कोई नहीं, मोटी मोटी बातें बता देंगे अपना इस छोटी सी वीडियो में, सब कुछ फिट कर देंगे बाइक के बारे में जो भी कुछ हो रहा है। वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू दीपू ब्लॉग्स। और आज बात करते हैं R15 V3 वर्जन 3.0। तुमने देख ली होगी थंबनेल में, सब कुछ दिख रहा होगा। बाइक चलने में कैसे, पूरा रिव्यू हिंदी में होगा, साफ बात होगी बिल्कुल एकदम क्लियर। बाइक की खासियत भी बताई जाएगी, बुरी बात बताई जाएगी, क्या अगर वाइब्रेशन है, कितनी टॉप स्पीड है, कितने PHP बार, सब बताई जाएगी। भाई पावर की बात करें तो पावर ये प्रोड्यूस करती है 16.8 BHP, मतलब कि जहां तक भी है 17 BHP की। उसकी टक्कर की KTM ड्यूक 200 बताई है, पल्सर 200, पर टॉप स्पीड में पिकअप में हरा जैसे KTM 200, पर टॉप स्पीड में काट मार की 155 प्लस जाएगी। वो वाइब्रेशन भी, वाइब्रेशन बाइक में बिल्कुल भी ना है। कैमरा ले मेरे को वाइब्रेशन दिखा के होगी। भाई बात करें सिटिंग पोस्चर की, तो पोस्चर सिटिंग पोस्चर थोड़ा ऐसा रहेगा, देख लो कमर में दर्द हो जाएगा, ज्यादा लंबे निकलोगे। पिलियन की बात करें, पिलियन भी कंफर्टेबल बैठेगा, पर पिलियन का सारा वजन तुम्हारे ऊपर रहेगा जिससे कि तुम्हारे कंधे हो जाए दर्द। बात करें इसकी रेस की, रेस अगर KTM ड्यूक 200 से रेस करवाएंगे तो पिकअप में तो काट देगी इसे। खैर रूप KTM ड्यूक 200 135 या 40 पर कट मार जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी और 155 प्लस जाएगी। इसके टायर की ग्रिप की, तो टायर का साइज पीछे का दिख रहा होगा वो मैं दिखाऊँ, 140x70 का टायर है, देखो कितना मोटा टायर इसका। और आगे का है 100x80 का। ग्रिपिंग कॉर्निंग पे काफी अच्छी रहेगी इसकी, कोई ना कि कॉर्निंग कर रहे हैं कि रपट जाएगी, कुछ ऐसी बात ना होने की। बात करें इसकी वेट की, तो वेट इसमें 140 के लगभग है, ज्यादा ना भारी सही है अपना वेट, बढ़िया फुर्तीली बाइक है। क्या वो बढ़िया बाइक निकली है, जो पहली V2 थी R15 V2, तो वो इतनी कुछ खास नहीं इसका आगे, बाइक बढ़िया है। और देखो बढ़िया नहीं जा इसकी लुक लगती है, लुक जो चीज इसकी पूरी भारी पहला गेट डालती है एकदम भाई। और हाँ दोस्तों, इसका कंसोल फुल्ली डिजिटल कंसोल है इसका, जो आपको हर चीज की जानकारी देगा, न्यूट्रल को गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, कितना RPM है, स्पीड स्पीड सब दिखाएगा। मीटर के मामले में यामा वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और बात करें इसके इंजन की, तो इंजन इसका काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ है बहुत, जैसा आपने देखा वो पावर, और इसमें गियर करीब 6 गियर हैं इसमें, जो बहुत अच्छी पावर डिस्प्लेस कर देते हैं। और सब कुछ हटा के बाइक अच्छी है काफ़ी, अगर आपका बजट है इतने का, ये करीब अराउंड 1 लाख कुछ 1.5 लाख के करीब, जो भी आपको कंफर्म नहीं है मेरे को जो भी है। तो टायर देखो काफ़ी चौड़े टायर हैं, आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको, देख रहे हो आप वीडियो में सर। और हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी स्मूथ और बैलेंस अच्छा है इस बाइक का, ऐसी बात नहीं है। फाइबर क्वालिटी थोड़ी है नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। तो बाइक आप स्पोर्ट्स बाइक है, 150 प्लस जाएगी टॉप स्पीड में, और पिकअप विकअप नॉर्मल है अपना, बढ़िया पिकअप है इसके हिसाब से बाइक के हिसाब से। इसमें ABS वाला वर्जन नहीं है, पहले ले थी जब नहीं आ रही है, उसमें ABS वाला वर्जन है। ये पड़ी थी लगभग हमें 1,55,000 की, 1,55,000 की पड़ रही है, और आप कम से कम 10-15,000 महंगी होगी ये सारा ABS वाला। तो बाइक मेरी मानने में बाइक पास है, बढ़िया बाइक है। अगर KTM 200 ले तो उसकी बजाय ये ले तो सही है, अगर थोड़ा पिकअप में ही मार खाएगी ना टॉप स्पीड में, तो टूरिंग के लिए जा रहे हो तो इससे बढ़िया बाइक है। पल्सर 200 ले लो, RS KTM RC 200 ले लो, और जो भी आ रही है 200 CC की रेंज में सबको हरा देगी टॉप स्पीड में। वैसे 155 CC का इंजन हो इसका, और अब जो आ रही है MT15 इसी का इंजन हो उसमें, वो नेट बाइक है ये स्पोर्ट्स बाइक, बस इतना फर्क है, इंजन दोनों का सेम है, टॉप स्पीड दोनों की सेम है, बाइक दोनों बढ़िया है, कोई सी भी ले लो। अगर तुम्हें तुम्हारे ऊपर सोच के ऊपर बात है, तुम्हें नेट बाइक चाहिए स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स के मामले में तो इससे बढ़िया बाइक नहीं है। वाइब्रेशन बाइक में है नहीं, ऐसा हो सकता है अपनी 3-4 साल बाद ये चीज इसकी वाइब्रेट करने लगे थोड़ी थोड़ी, और जहां तक भी अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट ना आई बाइक में, वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल। मुकाबले की बात करें और बाइक के मुकाबले, इसकी ब्रेकिंग, इसका बैलेंस, और जब रोड पे चल दिया ना कहते मक्खन ब्रेकिंग, इसकी और बाइकों के मुकाबले बिना ABS में सबसे अच्छी ब्रेकिंग लगी है मुझे इसकी। और बैलेंस की बात करें तो बैलेंस तो भैया ये बैठे इसके ओनर
सब बता देंगे कैसी बाइक चल रही है इनके पास, कितने साल होगी भैया? एक साल होगी, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।